अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली और आप देख रहे हैं शहबाज इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस एयर कूलर के मोटर के कनेक्शन करेंगे। पिछली मैंने वीडियो में बताया था कि इसके सेट कैसे बनाए जाते हैं, लेदर इसमें कैसे डाले जाते हैं और इसके सेट कैसे डाले जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके कनेक्शन करेंगे और स्पीडें निकालेंगे। तो स्पीडें कैसे निकाली जाती हैं आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे। तो इसके अंदर देखें, मैं क्रॉस लेदर रख रहा हूँ, ये 7 नंबर का लेदर है और रनिंग और स्टार्टिंग के कोयल जो है इनके सेंटर में ये लेदर हम रख लेंगे। तो ये देखें, रनिंग की जो तार है इनको अलहदा कर लेना है और जो स्टार्टिंग की है उनको अलहदा कर लेना है। तो रनिंग के कोयल से ये देखें हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो एक तार पर हम निशाने लगा लेंगे जहाँ से इसको शुरू करेंगे, तो उस कोयल का दूसरा सिरा होगा, तो जो दूसरा कोयल होगा उसके एक तार को छोड़कर दूसरी तार के साथ उसको मिला देंगे। यानी एक ये एक 3 के कनेक्शन होंगे। तो इस तरह भी कर सकते हैं, बड़े सिरे को बड़े सिरे के साथ मिला देंगे और छोटे सिरे को छोटे सिरे के साथ मिला देंगे। तो दूसरे कोयल की जो वायर बची थी उसको हम तीसरे कोयल का जो वायर है उसके साथ मिला देंगे। सेंटर में फिर एक वायर को हम छोड़ देंगे, यानी इसके 1-3 के कनेक्शन करने हैं। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको मिला लेंगे और जो चौथा कॉइल का जो आखिरी सिरा बचा है उसको हम बाहर निकालेंगे। ये आखिर पे देखें 2 सिरे बचे हैं। तो इसी तरह अभी हम जहाँ से रनिंग के हमने कनेक्शन शुरू किए थे उसके साथ ही स्टार्टिंग के कनेक्शन शुरू कर लेंगे। तो एक वायर को निशाने लगा लेंगे और दूसरी जो उसकी तार है उस कोयल की जो दूसरा कोयल होगा उसकी दूसरी तार के साथ उसका कनेक्शन कर देंगे। यानी एक तार हम सेंटर में छोड़ देंगे। ये जो हमने पहले सेट का और दूसरे सेट का जोड़ लगाया है ये हमारी 1 स्प्लिट हो जाएगी। ये देखें, इसके ऊपर भी हम निशाने लगा लेंगे और जो इससे दूसरे कोयल की एक तार बची है उसको तीसरे कोयल की एक तार के साथ जोड़ देंगे। ये देखें, सेंटर में फिर उसके खाली तार एक तार को हमने छोड़ दिया है। तो तीसरे कोयल की जो अभी एक तार बची है इसको आगे वाला जो सेट है चौथा सेट है उसके एक तार के साथ उसके कनेक्शन कर देंगे। सेंटर में एक तार लाजमी छोड़नी है। ये देखें, इस तरह से ये इसके कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे। फिर आखिर में हमारे एक तार बची है। छोटे सेट से हमने शुरू किया तो आखिर में हमारे पास छोटे सेट की तारें ही बची थी। तो इस तरह से ये देखें, हमने इसको निशानी के तौर पर बांध लेना है। जिनको हमने बांधा है, निशानी लगाई है, उनको तारें लगा कर हम बाहर निकाल लेंगे और जो हमने इस तरह से फोल्ड की थी उनको हम जोड़ लगा कर इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको जोड़ लगा लेंगे। इसके तार के ऊपर पॉलिश लगी हुई होती है तो इसको हम हरी ब्रेड या कैंची की मदद से इसकी बारिश उतारेंगे और 1 नंबर की स्ट्रिप डालकर इसको जोड़ लगा लेंगे। इसी तरह हम जो रनिंग के 3 जोड़ हमने बनाए थे उनको इस तरह हम लगा लेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग के जो जोड़ लगाए थे उनको लगाएंगे।
तो मैंने आपको बताया कि जो स्पीड का करेक्शन निकलती है वो स्टार्टिंग से निकलती है। तो इस तरह से हम मैंने जो एक सेट का और दूसरे सेट का जो जोड़ होता है वो हमारी दूसरी स्पीड होती है, और जहाँ से स्टार्टिंग से हमने करेक्शन शुरू किया होता है वो हमारी पहली स्पीड होती है, और जो पहले सेट का और दूसरे सेट का जोड़ होता है वो दूसरी स्पीड होती है, और जो दूसरे सेट का एक तार सेंटर में से किस कॉइल में से एक तार निकाले तो वो तीसरी स्पीड बन जाती है। तो इसकी मैं दो सी स्पीडें निकालूंगा, एक मेन स्पीड होगी एक स्लो स्पीड होगी। ये देखिए यहाँ से हमने क्रैशिंग शुरू किया था, ये हमारी एक स्पीड होगी, और ये जो जोड़ हमने लगाया था पहले सेट का और दूसरे सेट का जो जोड़ है ये दूसरी स्पीड हो जाएगी। ये देखिए, और बाकी ये जो दो जोड़ बचे हैं इसको हम जोड़ लगाकर बंद कर लेंगे। अभी हम इसके जो लीडे वगैरह हैं वायर हैं वो लगाकर इसको बाहर निकाल लेंगे। जो पीले कलर की दो वायर हैं इसको मैं रनिंग पे लगाऊंगा। आप कोई भी वायर लगा सकते हैं, लेकिन एक ही कलर की आपने रनिंग पे लगानी है, ताकि याद रहे कि जो रनिंग की वायर हैं वो एक कलर की हैं। तो इस तरह से एक साइड पर पीले कलर की वायर लगानी है, और रनिंग के दूसरी साइड पर भी हम पीले कलर की वायर को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये जो दो तारे हो गई हैं पीली, ये रनिंग की हो गई हैं। तो जब भी चक्कर सीधे किए जाते हैं तो जो पेस्टल लगाया जाता है एक रनिंग की तार पर लगाया जाता है और एक स्टार्टिंग की तार पर लगाया जाता है। तो जो चक्कर सीधे होते हैं पंखे के या कूलर मोटर के, तो वो रनिंग की तार पर ही चक्कर सीधे किए जाते हैं, क्योंकि रनिंग की जो तार होती है वो मोटा नंबर होता है यानी मोटी तार होती है, तो इसलिए चक्कर भी इसी पर सीधे किए जाते हैं। वहाँ से हमने ये देखे सेट को कनेक्शन जहाँ से शुरू किया था इसको हम मेन वायर बनाएंगे, इसको हम बांध लेंगे ताकि गिरा बांध लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे। तो ये देखें इसको जहाँ से हमने कनेक्शन शुरू किया था और रनिंग के एक तार के साथ इसको जोड़ देंगे, ये हमारी मेन स्पीड हो जाएगी। तो जो रनिंग की दूसरी तार बचेगी और स्टार्टिंग की साइड स्टार्टिंग कॉइल का जो दूसरा सिरा होगा तो उसको और रनिंग के तार के ऊपर कैपेसिटर लग जाएगा। रनिंग और स्टार्टिंग जो दो दो तारें हमने मिलाई हैं वो मेन स्पीड हो जाएगी। तो ये देखिए जो हरे रंग की वायर है मैंने इसको स्पीड के लिए इस्तेमाल किया, ये देखिए स्पीड के लिए लगा लिया। ये हमारी दूसरी सीढ़ी जो ये देखिए दूसरे कॉइल के और पहले कॉइल का जो जोड़ था उसके ऊपर हमने स्पीड जो निकाली थी उसको उसके ऊपर मैंने तार लगा लिए। तो अभी हम इसको इस तरह से तारों को सेटिंग करके इसको बांध लें। ये देखिए इस तरह से, कोई भी आपने अपर की वायर ले लेनी है उसमें धागा लगाकर इस तरह से इसको बांध लेना है। तो अभी मैं इसको तमाम को बांध लेता हूँ, और तो इसके बाद हम इसको वार्निश करेंगे। जी तो दोस्तों ये देखें मैंने इसको बांध लिया है। जो
हमारी दूसरी स्पीड थी वो ये हरे रंग की वायर थी, तो इसके ऊपर हम निशानी लगा लेंगे, इसके ऊपर हम दो गिरा लेंगे क्योंकि ये दूसरी स्पीड है, स्लो स्पीड है, और जो मेन स्पीड है वो एक नंबर एक गिरा दिया, तो इसको इस तरह से बांध लेंगे। बगैर गिरा वाली हरे कलर की वायर है, ये स्टार्टिंग की दूसरी तार है, तो इसको और रनिंग की एक तार को हम एक तार के साथ कैपेसिटर में लगा देंगे, और जो रनिंग की और मेन तार है उसको आपस में छोड़ देंगे, वो हमारी मेन स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखें, अभी हम इस सेट को बिठा लेते हैं, तो इसके जो लेदर वगैरह ऊपर उठे हुए हैं तो इसको हम टेस्टर या पेचकस की मदद से नीचे में दबा देंगे, बिठा देंगे ताकि ये स्टेटर के साथ ना जुड़े। तो इसके बाद हम इसको वायरिंग देंगे। तो इस तरह से देखिए लेदर मैंने सबको ये बिठा लिए, तो अभी हम इसकी वार्निश देंगे। आज की वीडियो बस यही तक थी, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।